जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कल हमने सोचा था रली जी आ गए हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा बैग वगैरह सब पैक हो गया और बच्चे भी नाना जी भी सारे दरवाज़ा रोक के खड़े हो गए। अभी नहीं जाना, अभी एक दिन और रुकना है। तो आज का व्लॉग फिर से मेरा छबड़ा में ही बन रहा है। आज मेरी गुड मॉर्निंग जय माता दी फिर से छबड़ा में ही हो रही है। चलिए मिलती हूँ आपसे नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद। मैम वही है आज हम लोग जा रहे हैं गुगोर बीजासन मैया के दर्शन के लिए। रास्ते में रेलवे का फाटक लगा है। यह है बीजासन मैया, यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हजारों वर्ष पुराना ये माता रानी का मंदिर है। माता रानी पर लोगों की काफ़ी आस्था है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारे माता रानी के दरबार के। पार्वती मैया साथ में बह रही है, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग जा रहे हैं, सामने ही गणेश जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। ये बीच में झूला लगा हुआ है। आज रल्ली जी को भी झूले पर बैठने का शौक आ गया। आज रल्ली जी भी झूला झूल रहे हैं भैया के साथ में। अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ गणपति बप्पा और हनुमान जी महाराज के। वो नहीं आती। पानी की आवाज कितनी बढ़िया आ रही है। पानी में मेला यहीं लगता है ना, पूरे में है मेला, ये चट्टानों पे ही लगता है ना।
बंदर बंदरों का तो ले लिया मैंने उससे। बहुत सुंदर बना दिया गार्डन, कितने साल बाद आए अपन तो। उधर भी तो गार्डन बना दिया बहुत सुंदर, पे आगे चल रहे हैं ना अपन। और भी जाना है कहीं आगे? ये कौन गिरी क्या चप्पल है? नहीं वो तो पहन गई। ये तो मैं बहुत सुंदर तकरीबन नहीं हो गया है कहाँ था नहीं जब आए वो देखते बड़ा बड़ी है। ये तो उनका पंडित जी का था ना? नहीं पूरा ये तो मंदिर का ही है पूरा। ये क्या बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने माँ बीजासन के दर्शन अच्छे से कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं आगे। खोखागढ़ महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि जैसे उज्जैन वाला जो स्वरूप है वही महाकाल का स्वरूप यहाँ पर है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखो हम लोग लेट हो गए, महादेव का मंदिर बंद हो गया, तो ये साइड से पत्थर पे से कूद के हम लोगों को जाना पड़ रहा है। गेट लगा हुआ है, कितना सुंदर प्राकृतिक नेचर की कुदरती खूबसूरती। इस खूबसूरती को इंसान जितना मर्जी करे वो अपने हाथ से नहीं बना सकता। चलिए अब हम आ गए हैं भोलेनाथ के मंदिर, अंदर चल के दिखाती हूँ आपको भी, भोलेनाथ के दर्शन कराती हूँ। देखिए यहाँ पे केरला वाली फीलिंग आ रही है, केले का गुच्छा पेड़ पे कितना बड़ा लटका हुआ है। देखिए बिल्कुल नहीं, हम लोग गुगोर हजारों बार आए हैं बट यहाँ इस मंदिर में भोलेनाथ ने हमें कभी नहीं बुलाया। यहाँ हम आज पहली बार आए हैं। यहाँ अखंड धूना जल रहा है सदियों से। देखिए कितना सुंदर मंदिर की बनावट, देखिए जैसे उत्तराखंड के मंदिर होते हैं बिल्कुल वही उत्तराखंड के मंदिरों की ही बनावट है सेम यहाँ के मंदिर की। बहुत सुंदर मंदिर, मज़ा आ गया। ऐसे मंदिर देख के अब फीलिंग आती है कि हम हिमाचल उत्तराखंड में पहुंच गए हैं। और देखिए भोलेनाथ गुफा के अंदर विराजमान है। अभी ये लोग भैया भाभी दर्शन करके बाहर आएंगे, फिर हम लोग अंदर गुफा में जाएंगे। बहुत सुंदर भोलेनाथ की गुफा, जय भोलेनाथ। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने ऊपर वाले के भरोसे, उलझाया है उसने तो सुलझाएगा भी भाई। हर जगह भोलेनाथ माता रानी के साथ भैरव बाबा हनुमान जी महाराज हमेशा होते हैं। ये इधर हनुमान जी महाराज, बोलो बजरंग बली महाराज की जय, वीर बजरंगी की जय। देखो कुदरत के प्राकृतिक नजारे, लगता है हजारों वर्षों पुरानी शैली का ये मंदिर बना हुआ है। देखिए ऊपर का गुंबद इसका ऐसा लग रहा है टूट गया है, और नीचे इसके अंदर गुफा है जहाँ मैंने अभी आप लोगों को दर्शन कराए। देखिए पीछे पार्वती मैया बह रही हैं। ये पीछे पूरा जंगल का एरिया बना हुआ है, और इधर एक महाराज जी रहते हैं तो आश्रम जैसा भी बना रखा है।
आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि हम लोग उत्तराखंड या हिमाचल में आ गए, बिल्कुल वहीं का पूरा प्राकृतिक नज़ारे। बस वहाँ पे देवदार और चीड़ के वृक्ष होते हैं, यहाँ पर नीम और बरगद के वृक्ष हैं, सिर्फ इतना अंतर है, बाकी पूरा देखने में ऐसे ही लग रहा है कि वहीं का नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए, ऐसे आश्रम जी जैसे है, महाराज जी भी हैं यहाँ पे, पानी की पूरी सुविधा है, और यहाँ पर ये सुलभ शौचालय भी बना हुआ है, लेडीज़ और बच्चों के साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को तो आज तक पता ही नहीं था, हम लोग हजारों बार गुगोर आए बट हमें इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं था, यहाँ आके पता चला। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बारिश में तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा यहाँ पे। और इधर टीन शेड भी हो रहा है पूरे में, अगर आप लोग बारिश में आते हैं तो बारिश में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ बैठेंगे या गीले हो जाएंगे। खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर, अगर हलवाई आता है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर, ये देखिए भैया भाभी को लगे हैं वो अपनी सेल्फियाँ खींचने में, और हम लोगों का इधर ब्लॉग चल रहा है। बहुत सुंदर, यहाँ पर एक पार्क भी बना हुआ है। आज तो अभी धूप आ गई है, सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था, अभी धूप आ गई है, बट यहाँ अगर बारिश होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पीछे देखिए पार्वती मैया, ये गुगोर माता जी का मंदिर सामने ही है, बिल्कुल बीजासन माता का मंदिर। यहाँ पर MP, राजस्थान सभी जगह के काफ़ी लोग आते हैं दर्शन के लिए। और अभी देखिए पार्वती मैया में पानी, वरना गर्मी में तो इतना पानी भी देखने को नहीं मिलता। काफ़ी सुंदर, ये देखो इन्हें लगे हैं ये अपने फ़ोटो खींचने में। ऐसी अच्छी जगह देख के हर किसी को लगता है कि हम इसे अपने कैमरे में कैद कर लें, कोई भी नहीं चाहता कि बिना फ़ोटो खींचे हम लोग यहाँ से जाएं। बहुत सुंदर मंदिर है, मज़ा आ गया देख के, और ख़ासकर वो जो